गुड आफ्टरनून बच्चों, जैसा कि हमने पहली क्लास में आपको चार क्वेश्चन दिए थे, इसके बाद क्लास ट्वेल्व की आज सेकंड क्लास है जिसमें मैंने आपको पांच क्वेश्चन दिए हैं। इनको इन क्वेश्चनों को भी आप पहले की तरह आपको ही खुद को करना है, ठीक है। क्या क्लास ट्वेल्व की सेकंड क्लास का ऑनलाइन क्लास ट्वेल्व सब्जेक्ट क्या केमिस्ट्री। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों को लिखिए। इस क्वेश्चन में आपको हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बताना है। इसमें क्या बताना है, पहला कार्बोनेट शीतल पेयों में उत्पादन किस तरीके से होता है वो आपके पास फिर नोटबुक है, फिर नोटबुक जो भी है आपके पास वो खुद के पास है आप। दूसरा पॉइंट है गहरे समुद्र में श्वास लेने में। तीसरा पॉइंट अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई होती है। और चौथा पॉइंट फेफड़ों की क्रियाविधि बताइए। ये इसके पॉइंट है, ये आपको फिर नोटबुक में से करना है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। एक आपका इसी क्वेश्चन है आपका आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर, ये भी आपको आपकी फेयर कॉपी में मिल जाएगा। थोड़ा सा बता देता हूं इसमें भी क्या है, इसमें ये थोड़ा राउंड के नियम को फॉलो करता है ना। ये आदर्श विलयन सभी तापक्रम व सभी सांद्रता पर राउंड के नियम का पालन करता है। क्या ये राउंड के नियम को फॉलो करता है किसमें, आदर्श विलयन में। अनादर्श विलयन में ये राउंड के नियम को फॉलो नहीं करता, मतलब इसका फॉलो नहीं करता, मतलब क्या अनादर्श विलयन राउंड के नियम का पालन नहीं करता। इसमें ऐसे कि ये है अपना ताप पी बराबर पी जीरो ए एक्स ए पी जीरो बी एक्स बी, इसमें और इसमें अनादर्श विलयन में क्या होता है ये इसका पालन नहीं करेगा, तो इसके उल्टे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू पी जीरो ए एक्स ए पी जीरो बी एक्स बी, इसमें क्या इसका वो पालन नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, आदर्श विलयन का कुल आयतन शुद्ध द्रवों के आयतन का कुल योग होता है, ठीक है। और अनादर्श विलयन में क्या होता है, अनादर्श विलयन में बनाने पर द्रवों के आयतन में संकुचन में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब बाकी का आप अपनी फेयर कॉपी से खुद कर लेना। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक भी आपकी फेयर कॉपी बटा जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन क्रमांक चौथा, एजियोट्रॉप मिश्रण क्या है, उदाहरण और नाम बताइए। ये भी आपको क्वेश्चन क्लास 11 में करवा चुका हूं, अच्छे से करवाया है और फेयर कॉपी में नोट भी है। तो क्या बच्चों आपको अच्छे से करना है क्वेश्चन को। क्या है इसमें एक बार बता देता हूं मैं, क्या होता है इसमें, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो निश्चित ताप पर उबलता हो, कोई इसका मतलब कोई एक निश्चित हो, मतलब ना कोई ज्यादा मात्रा है ना कोई कम मात्रा है, क्या इसकी एक निश्चित मात्रा है। क्या अपन ऐसा नहीं है इसमें क्या करते हैं, केवल क्या मात्रा अपनी एक निश्चित होती है, जैसे अगर कोई लिक्विड है उसको अपन 2 लीटर 4 लीटर एक निश्चित मात्रा में उबालते हैं, निश्चित उबलता है और बिना संगठन के बदले उसी ताप पर आश्रित होता है, मतलब आश्रित मतलब वाष्प के रूप में निकलता है और एजियोट्रॉप मिश्रण कहलाता है। क्या है, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित होता है, एजियोट्रॉप मिश्रण कहलाता है। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, कौन सा फोर्थ वाला, उदाहरण क्या है, एथिल अल्कोहल और जल की तरह था, इसमें 94.5% का अनुपात
और 4.5 के अनुपात में स्थिर क्वाथिंग मिश्रण बनाते हैं। आदर्श विलयनों के सामान्य एजिट्रोप दो प्रकार के विलयन होते हैं। ये विलयन शुद्ध द्रव की आश्रित होते हैं। नंबर एक निम्न क्वाथनांक एजिट्रोप और दूसरा उच्च क्वाथनांक एजिट्रोप। ठीक है बेटा, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको ठीक तरीके से करना है, ये आपका रहेगा होमवर्क रहेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, पराशन एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक बेटा, ये मैं आपको पहले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, नोट भी कराया है। सभी बच्चे क्वेश्चनों को देखने पर वीडियो देखने से पहले आप खुद फेर कॉपी लेके बैठे और अपने फेर कॉपी में टिक जरूर लगाने, क्वेश्चनों को उनको करना है आपको। क्या है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, पराशन एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है इसमें, पराशन के लिए अर्धपारगम झिल्ली अनिवार्य होती है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, और मिश्रण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रभावित होते हैं। मिश्रण में विलेय के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। पॉइंट थ्री इसमें ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का है, कौन सा पराशन एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। केवल विलायक के कारण ही गति करते हैं, इसमें विलायक तथा विलेय दोनों ही कण इसमें क्या करते हैं, गति करते हैं। एक में क्या करते हैं, इसमें पराशन में क्या करते हैं, इसमें केवल विलायक के कण इसके विलायक कण क्या करते हैं, गति करते हैं, इसमें गति करते हैं। और मिश्रण में क्या करते हैं, मिश्रण में विलायक और विलेय दोनों के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। और चौथा पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है, पराशन की क्रिया केवल द्रवों में ही होती है। क्या है, पराशन की क्रिया किसमें होती है, केवल लिक्विड में होती है, इसमें द्रवों में, जो इसे पानी लिक्विड व किसी प्रकार का तरल पदार्थ, मिश्रण द्रव तथा गैस दोनों में होता है। मिश्रण में क्या होता है, द्रव मतलब तरल पदार्थ या लिक्विड जो कुछ हुआ, और गैस तो आप समझते ही हो। ठीक है, हाँ ये दोनों में करता है। ठीक है बेटा, आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।